भाजपा नेता व पूर्व मंत्री किशन कपूर ने आज अपने समर्थकों के साथ धर्मशाला विधानसभा से भाजपा के उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन पत्र भरा। धर्मशाला से किशन कपूर का सीधा मुकाबला कांग्रेस नेता सुधीर शर्मा, रविंदर राणा और पंकज से है। हालांकि कई फैक्टर कपूर के फेवर में हैं, जिससे कपूर को फायदा मिलेगा, जिसमें गद्दी समुदाय पर हुए लाठीचार्ज भी शामिल हैं। पिछले चुनावों में भी किशन कपूर का मुकाबला सुधीर शर्मा से था और किशन कपूर लगभग 5000 वोटों से हार गए थे। हालांकि इन चुनावों में कपूर के अपने ही कुछ लोग चुनावी रण में खड़े थे, जिस कारण भी कपूर को हार हुई थी। लेकिन इन चुनावों में कपूर के खिलाफ अभी तक पार्टी के किसी नेता ने बगावत नहीं की है, जिसका सीधा लाभ किशन कपूर को मिल सकता है। आज भी कपूर के साथ लगभग 1500 समर्थक मौजूद थे। मीडिया से बातचीत में किशन कपूर ने यहां के वर्तमान विधायक व शहरी विकास मंत्री को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पिछले 5 वर्षों में धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र के अंदर गुंडाराज स्थापित हुआ है, आतंक का वातावरण था, लोग कांग्रेस के शासन से दुखी थे। कपूर ने कहा कि जब से आचार संहिता लगी है, तब से धर्मशाला के लोगों के दिल से भय कम हुआ है और लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए वह धर्मशाला की जनता को न्याय वो पहले भी दिलाते रहे हैं और आगे भी दिलाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि कई घोषणाएं धर्मशाला के लिए हुई, जिनमें से कभी भी एक ईंट तक नहीं लगी, सब कोरी घोषणाएं बनकर रह गई। उन्होंने कहा कि सपने बहुत दिखाए गए, जैसे मोनोरेल, स्काई बस, मोपेड कार, रोपवे बनाने के सपने ही रह गए। उन्होंने सुधीर शर्मा पर आरोप चढ़ते हुए कहा कि 2012 के चुनावों में सुधीर शर्मा ने कहा था कि केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला में स्थापित करना उनकी प्राथमिकता रहेगी, लेकिन वो प्राथमिकता उनकी कहां गई। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता धर्मशाला के लोगों को भयमुक्त माहौल देना है। कपूर ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में गुंडाराज, माफियाराज पनपा और कई प्रकार की घटनाएं हुई। उन्होंने कहा कि इस बार भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी और धर्मशाला की जनता से उन्हें जबरदस्त सहयोग मिल रहा है। धर्मशाला की जनता को न्याय मैं पहले भी दिलाता रहा हूं, आगे भी दिलाऊंगा। और जो कानून, जो लॉ एंड ऑर्डर है, वो यहां उसकी दशा बड़ी दयनीय है। चोरियां हो रही है, गैंग रेप हुए, हत्याएं हुई, उनका कोई FIR लॉज नहीं हुई, और विकास नाम की कोई चीज नहीं है। विकास हुआ तो अपने घर का विकास हुआ है। आम जनता के लिए इस सरकार ने कुछ नहीं किया। नारे बहुत दिए गए, सपने बहुत दिखाए गए, मोनो रेल का सपना, स्काई बस का सपना, मोपेड कार का सपना, रोपवे के सपने, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जिसे कहा था मैं हमारी प्राथमिकता रहेगी 2012 के चुनावों में, वहां शिलान्यास तो जरूर हो गए, एक इंच तक नहीं लगी, दो रोपवे के शिलान्यास हुए, माँ हिमानी चमंडा के लिए, चमंडा से लेकर धर्मशाला में कोतवाली बाजार जो बस स्टैंड है वहां से लेकर बागसुंडा के लिए, और कहा था हम त्रिउंड के लिए बस रोपवे बनाएंगे। रोपवे तो चक्कर, लाका, ठटारना और क्या क्या नाम लिखे थे, और उन्होंने कहा कि हम ट्रैक रूट बनाएंगे, कहाँ के लिए बनाएंगे, क्वारसी के लिए बनाएंगे, क्वारसी भरमौर में आता है, डल नाडल की बात कही थी, एक 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 कण बहाने लगा, एक कण नहीं लगा, ग्रेरी और लमडल की बात की गई थी, धर्मशाला जो डल लेक है हमारी, जिसे छोटा मणिमहेश के नाम से जाना जाता है, उसका विस्तारीकरण का, उसके उसको सुंदर बनाने का हमने कार्य शुरू किया था। 5 साल उसमें कुछ नहीं किया गया, हालांकि उसमें और गांठ भर गई, और जिस दिन गए तो लोगों के ऊपर, नहाते लोगों पर लाठियां बरसा दी बिना कारण के। लोकतंत्र में लोगों का अधिकार होता है रोष प्रकट करना। सीओ के लिए आपका क्या स्टैंड रहेगा? सीओ में हमारा स्टैंड जो पहले था वही रहेगा, मैंने कई बार आपको बोला,